अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के साइंस और आर्ट्स के बच्चे, टेंटेटिव डेट शीट जो है आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की थी, तो ऑफिशियल डेट शीट जो है, नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ था। तो ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, गुजरांवाला बोर्ड की ऑफिशियल जो है वो डेट शीट है। और आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि गुजरांवाला बोर्ड हो या फिर पंजाब का जो मर्जी बोर्ड हो, लाहौर, सहवाल, सरगोधा, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान, डिजीखान, बहावलपुर, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं, तमाम की डेट शीट जो होती है वो सेम होती है। तो ये ऑफिशियल डेट शीट जो है वो गुजरांवाला बोर्ड ने सबसे पहले अनाउंस की है और बाकी बोर्ड की भी ये सेम डेट शीट होगी। तो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट जो हैं उनके पेपर की तरतीब बता देता हूँ। 26 मई को जुमरात वाले दिन फर्स्ट टाइम फारसी का पेपर होगा और सेकेंड टाइम सिविक्स, उर्दू बे या वुड वर्क या ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग का पेपर होगा। जिन बच्चों के जो सब्जेक्ट होगा वो देख लेंगे। फिर 27 मई जुमे वाले दिन होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी। और क्योंकि होम इकोनॉमिक्स जो है वो गर्ल्स की होती है जबकि बॉयज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग रखते हैं, तो बॉयज़ का इलेक्ट्रिकल वायरिंग का पेपर होगा। और 2:30 पे सेकेंड टाइम वालों का पेपर स्टार्ट होगा। नॉर्मल डेज में 8:30 बजे फर्स्ट टाइम का पेपर और सेकंड टाइम का पेपर 1:30 पे होता है जबकि जुमे वाले दिन 2:30 पे स्टार्ट होता है। हफ्ते वाले दिन 28 मई को अंग्रेज़ी का पेपर होगा, लाजमी का फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। फिर 29 तारीख को छुट्टी होगी एतवार की। 30 मई को सोमवार वाले दिन फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम बायो का पेपर होगा और जिन बच्चों की बायो नहीं होगी उनका कंप्यूटर का पेपर होगा फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम। फिर 31 मई को मंगलवार दिन पंजाबी का पेपर होगा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जुग्राफिया या फिर कमर्शियल जुग्राफिया, गज़ा या गज़ाइयत, आर्ट एंड मॉडर्न ड्राइंग का पेपर होगा। फिर जो है 1 जून को बुधवार दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी, जबकि आर्ट्स वाले बच्चों का जनरल साइंस का पेपर होगा। 2 जून जुमरात वाले दिन फर्स्ट टाइम एजुकेशन का पेपर होगा, सेकंड टाइम तारीख़ पाकिस्तान या तारीख़ इस्लाम का पेपर होगा। जिन बच्चों की फिजियोलॉजी होगी उनका फिजियोलॉजी का, जिनका माहौलियाती मुताला होगा उनका माहौलियाती मुताले का पेपर होगा सेकंड टाइम। फिर 3 जून जुमे वाले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर होगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग वालों का पोल्ट्री फार्मिंग का पेपर होगा। फिर 4 जून हफ्ते वाले दिन फिजिक्स का पेपर होगा फर्स्ट टाइम भी सेकेंड टाइम भी, जबकि आर्ट्स वाले बच्चों का इस्लामियात इख्तियारी का पेपर होगा फर्स्ट एंड सेकंड टाइम। फिर 6 जून सोमवार वाले दिन, क्योंकि 5 को छुट्टी होगी, संडे बंद रहे, तो 6 जून सोमवार वाले दिन मैथ का पेपर होगा फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। साइंस और आर्ट्स दोनों तरह के बच्चों का मैथ का पेपर होगा। 7 जून को मंगल वाले दिन इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी। 8 जून बुध वाले दिन अरबी का पेपर होगा, जिन बच्चे को ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग होगी या बिजनेस स्टडीज़ होगी उनका उस चीज़ का पेपर होगा। सेकंड टाइम लिबास और पार्चा बाफी वालों का, कंप्यूटर हार्डवेयर वालों का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वालों का और फिश फार्मिंग का पेपर होगा बुध 8 जून को। 9 जून को जुमरात वाले दिन फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम उर्दू लाजमी का पेपर होगा। 10 जून जुमे वाले दिन मुताला पाकिस्तान का पेपर होगा फर्स्ट टाइम भी एंड सेकंड टाइम भी। तो ये आप लोगों का जो है डेट शीट है। गेस्ट पेपर जो है नाइन्थ क्लास के तमाम सब्जेक्ट के शेयर हो चुके हैं। गेस्ट पेपर आप लोगों ने सर्च करना हो तो नाइन्थ क्लास आगे सब्जेक्ट जो भी हो सर्च करना हो, जो सब्जेक्ट आप सर्च कर रहे होंगे तो फॉर एग्जाम्पल नाइन्थ फिजिक्स गेस्ट बाय HBSA एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट पर जो है आप लोगों को उस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर जो है वो नज़र आ जाएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।